हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस आर्ट। आई एम लीना जैन। फॉर लर्निंग फोटोशॉप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल न्यू अपडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ग्लोइंग स्पाइरल बैकग्राउंड इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे विड्थ 1280, हाइट 720 रखेंगे, पिक्सल्स में ही रखना है, रिजोल्यूशन 72 रखेंगे, कलर मोड आरजीबी कलर सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड कंटेंट्स व्हाइट सिलेक्टेड है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए 0 की प्रेस करेंगे। अब हमें बैकग्राउंड में ग्रेडियंट फिल करना है तो यहाँ से ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है ग्रेडियंट बॉक्स पे और यहाँ से फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड वाला जो ग्रेडियंट है वो सिलेक्ट करना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रेडियंट में डायमंड ग्रेडियंट करके जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है, लास्ट वाला। ओपेसिटी 100% ही रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोरग्राउंड में ब्लैक कलर और बैकग्राउंड में व्हाइट कलर सेट है। अगर आपके नहीं है तो आपको डी की प्रेस करना है तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे हमें फोरग्राउंड में व्हाइट कलर सेट करना है और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सेट करना है, तो इन्हें एक्सचेंज करने के लिए एक्स की प्रेस करेंगे। और अब यहाँ पे ग्रेडियंट फिल करना है तो इसके लिए यहाँ सेंटर में क्लिक करेंगे और फिर शिफ्ट की को होल्ड करते हुए राइट की तरफ लाइन ड्रैग करनी है। अब हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर 12 का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एंगल 300 डिग्री रखेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हमें इसमें कलर देना है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ से ग्रेडियंट का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रेडियंट बॉक्स पे और यहाँ से जो भी ग्रेडियंट आपको देना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला कर लूंगी। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ स्टाइल में लीनियर की जगह रिफ्लेक्टेड सिलेक्ट कर लेंगे। एंगल 90 डिग्री रखना है और स्केल 100% रखेंगे और यहाँ पे रिवर्स को चेक कर लेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमें इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और ओवरले सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसे सिंगल कलर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ कलराइज को चेक करेंगे और अब सैचुरेशन की वैल्यू 100 कर लेंगे और इसे यहाँ से राइट में ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी कलर रखना है वो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा ग्लोइंग स्पाइरल बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। So friends, I hope you like this video. If you are new to this channel, then please subscribe to this channel and press the bell icon.